सनसनी ऑफ इंडिया। लक्ष्मी नगर में किन्ना और उसके सहयोगियों को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा के गहने और नकदी लूट के मामले को स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने सुलझा दिया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, पीड़ित के घर के पास ही पान की दुकान करने वाला एक दुकानदार निकला। वारदात के 1 हफ्ते बाद भी जब स्थानीय पुलिस आरोपियों का कोई सुराग नहीं खोज पाए, तब स्पेशल स्टाफ की टीम ने जिम्मेवारी मिलते ही मात्र 2 दिन के अंदर क्राइम सीन से लेकर 25 किलोमीटर तक लगे करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वारदात का मास्टरमाइंड जगत राम पाक लक्ष्मी नगर निवासी 36 वर्षीय पवन जायसवाल, पंजाब निवासी सनी उर्फ अरमान राठौर व मुजफ्फरनगर निवासी 27 वर्षीय सलमान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 70 लाख के गहने, 2 किलो 78 ग्राम चांदी और 6,07,000 रुपए और लूट के पैसे से खरीदे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बदमाशों ने खिलौने वाली पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 खिलौना पिस्टल और 1 देसी पिस्टल को बरामद किया है। अमृता गुगुलोथा, DCP ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि दिनांक 24 मई को मकान नंबर 216 CR रोड ललिता पार्क लक्ष्मी नगर में चोरी की एक वारदात की सूचना लक्ष्मी नगर थाना पुलिस को मिली थी। सूचना के तुरंत बाद लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने FIR संख्या 236/2023 धारा 380/454 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। वारदात वाले दिन पीड़ित लोगों ने इसे चोरी की घटना बताया था, लेकिन अगले दिन शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें 4 नकाबपोश लोगों ने बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया था और पूरे घर में तोड़फोड़ की। सभी आरोपी लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और भारी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता के इस बयान के बाद थाना लक्ष्मी नगर पुलिस टीम ने इस मामले में डकैती की धाराएं और जोड़कर अपनी जाँच को जारी रखा, लेकिन वारदात के 1 हफ्ते बाद भी थाना लक्ष्मी नगर की टीम आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं खोज पाए। थाना लक्ष्मी नगर टीम से मामला खुलता हुआ न देख DCP अमृता गुगुलोथा ने मामले को सुझाने और आरोपियों को दबोचने की जिम्मेवारी स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और लक्ष्मी नगर थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम को सौंपी। टास्क मिलते ही KP मलिक ACP ऑपरेशन ईस्ट दिल्ली और कैलाश चंद कुकरेती ACP प्रीत विहार ने अपनी सुपरविजन व स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में SI विनीत प्रताप सिंह, विकास कुमार, विनय कुमार, जोगिंदर धाका, प्रमोद सिंह, ऋषि पाल, बख्शीश, SI अमित कुमार, अमर पाल, महेश कुमार, हेड कांस्टेबल युविंदर, कपिल नागर, सनोज राजकुमार, पवन कुमार, सनी राठी व कांस्टेबल रवि की एक टीम का गठन किया। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी ने मामले की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले पीड़ित लोगों से नए सिरे से पूछताछ की। पीड़ित लोगों ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि किन्नर गुरु से आशीर्वाद लेने के बहाने आरोपी घर में घुसे थे। घर में घुसने के बाद बदमाशों ने पहले गुरु किन्नर के पैर छुए और उसे 500 रुपए भी दिए। उसके बाद बंदूक का डर दिखाकर घर में मौजूद लोगों के हाथ पैर बांधकर लूटपाट करके फरार हो गए। आरोपियों का सुराग खोजने के लिए स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी ने टीम के हर एक सदस्य को अलग अलग काम सौंपा। एक टीम ने वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों के साथ पीड़ित लोगों के रिश्तेदारों, दोस्तों व करीबियों के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगाकर स्कैन किए, लेकिन कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिला। दूसरी टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो पता चला कि चेहरे पर कपड़ा लपेटे 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, एक टीम उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे CCTV फुटेजों को खंगालने में लगी हुई थी। क्राइम सीन से करीब 25 किलोमीटर के दायरे में लगे 300 से अधिक CCTV कैमरों को खंगालते खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में नया बांध सेक्टर 15 नोएडा तक पहुंच गई। नया बांध सेक्टर 15 नोएडा से आगे के CCTV फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे, इससे जांच टीम ने अंदाजा लगा लिया कि आरोपी आसपास में ही कहीं छुपे हुए हैं। टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए नया बांध सेक्टर 15 नोएडा में डेरा डाल लिया। टीम और मुखबिरों ने नया बांध सेक्टर 15 नोएडा की हर एक गली, मकान, दुकान, यहां तक कि होटल आदि को भी छान मारा, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। कड़ी मेहनत के बाद भी टीम के हाथ खाली थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी को एक बात तो समझ आ गई थी कि वारदात को अंजाम पूरी प्लानिंग से दिया गया है और किसी ऐसे जानकार ने दिया है जिसे ये पता है इस घर में किन्नर रहते हैं जिनको लूटने पर काफी पैसा मिल सकता है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी ने एक बात का और अंदाजा लगाया कि अगर बाहर से आकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया होता तो वारदात करने से पहले उन्होंने घर की रैकी जरूर की होती, लेकिन क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों में रैकी करता हुआ कोई भी सस्पेक्ट दिखाई नहीं दिया था।
क्राइम की मोड्स ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी को एक बात का तो पूरा यकीन हो गया था कि कोई तो ऐसा बंदा है जो क्राइम सीन के आसपास रहता है और उसे पीड़ित के घर की एक्टिविटी और मूवमेंट के बारे में अच्छी जानकारी है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी ने कुछ अलग हटकर सोचा और नया बांध सेक्टर 15 नोएडा से लक्ष्मी नगर इलाके में पिछले एक महीने में सभी आने और जाने वाली कॉल का मोबाइल डंप डाटा खंगाला। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी का शक सही निकला। हजारों नंबर खंगालने के बाद टीम को लक्ष्मी नगर इलाके में एक्टिव एक ऐसा सस्पेक्ट मोबाइल नंबर मिला जिस पर वारदात वाले दिन नया बांध सेक्टर 15 नोएडा से तीन अलग अलग मोबाइल नंबरों से कई बार कॉल की गई थी, लेकिन वारदात के बाद से ही वो तीनों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ थे। लक्ष्मी नगर इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबर को टेक्निकल सर्विलांस पर लगाने से सस्पेक्ट की पहचान पवन जायसवाल के रूप में हुई। पवन जायसवाल JNK ब्लॉक लक्ष्मी नगर में पान की दुकान चलाता था। टीम ने बंद तीनों मोबाइल नंबरों की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि वारदात से कुछ दिन पहले ही तीनों मोबाइल नंबर खरीदे गए थे। तीनों नंबरों से सिर्फ लक्ष्मी नगर इलाके में पवन जायसवाल के मोबाइल पर ही कॉल की गई थी। सारी निगरानी और छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न पवन जायसवाल को टटोला जाए। नरमी से पूछताछ करने पर पवन जायसवाल ने पहले तो टीम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उपलब्ध सबूतों के साथ उसका सामना किया गया तो उसने वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में पवन जायसवाल ने बताया कि लॉकडाउन में उसे काफी घाटा हुआ तो कर्जे में दब गया, इसलिए उसने किन्नर के घर में लूट की साजिश रची क्योंकि उसे पता था कि वहां काफी ज्वेलरी और कैश होगा। इसने अपने दोस्त सन्नी और फरमान को लूट के लिए लोगों का इंतजाम करने को कहा। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी सनी और फरमान राठौर की लोकेशन पंजाब के खन्ना इलाके में की मिली। टीम पंजाब के खन्ना इलाके गई और सनी और फरमान राठौर को पकड़ लिया। आरोपी सनी और फरमान राठौर के घर से कुछ नकदी और सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर उसके घर से चार खिलौना बंदूकें और एक देसी पिस्तौल को भी बरामद किया गया। सन्नी और फरमान राठौर ने पूछताछ में बताया कि वो प्लानिंग अनुसार 24 मई को अपनी कार को नोएडा सेक्टर 15 में खड़ी कर अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मी नगर में पवन जायसवाल के पास आया। इसके बाद लक्ष्मी नगर में लूट की वारदात को अंजाम देकर सेक्टर 15 नोएडा में वापस आकर और लूट का पैसा आपस में बांटकर सभी अपने अपने रास्ते निकल गए और सन्नी और फरमान राठौर अपनी कार में सवार होकर पंजाब जाकर छिप गया। वारदात का मास्टरमाइंड पवन जायसवाल पुत्र नंदलाल जायसवाल शादीशुदा है। ये स्कूल ड्रॉप आउट है। ये लक्ष्मी नगर में JN ब्लॉक में पान की दुकान चलाता है। इसकी पहले की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। दूसरा आरोपी सन्नी और फरमान राठौर पुत्र देव राठौर 12वीं पास है और पेशे से ड्राइवर है। यह अपनी पत्नी के साथ पंजाब के खन्ना इलाके में रहता है। इसकी भी पहले की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तीसरा आरोपी सलमान पुत्र मोहम्मद हनीफ टैक्सी ड्राइवर और 10वीं पास है। इसकी अपनी एक टैक्सी भी है जिसे इसने ओला और उबर से जोड़ रखा है। इसकी भी पहले की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 12 गोल्ड बिस्कुट, 4 सोने की चेन, 18 गोल्ड रिंग्स, 4 गोल्ड ताबिज, 1 गोल्ड ब्रेसलेट, 1 गोल्ड नेकलेस, 1 गोल्ड माथे का टीका, 6 गोल्ड चूड़िया, 192 ग्राम गोल्ड का अन्य सामान, 6 चांदी की चूड़िया, 5 सिल्वर बिस्कुट, लूटे गए पैसों से खरीदे गए 2 एप्पल मोबाइल फोन, 680,000 रुपए नकद, 5 खिलौना पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद की है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम।
सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।